हेलो दोस्तों, मैं सोनिका और आज मैं आपको बताऊंगी लड़की के दिल में अपने लिए जगह बनाने के लिए इन बातों का ध्यान हमेशा रखें। तो आज की वीडियो से टॉपिक है, और इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव ये था कि अगर आप किसी लड़की को पसंद करते हो तो उससे बात करते समय आप उसे उसके दिल में अपने लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बना सको, जिससे वो भी आपको पसंद करने लगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है, अगर आप अपनी क्रश या लड़की से बात करते हो तो उनसे बात करते समय आपको अपना सेल्फ कंट्रोल नहीं खोना है, क्योंकि अगर आपने ऐसा करा तो इससे आप उस लड़की का ध्यान बहुत जल्दी खींच पाओगे। क्योंकि अक्सर लड़के यही गलती करते हैं कि लड़की से बात करते समय वो सेल्फ़ कंट्रोल खो देते हैं, जिससे वो ज़्यादा एक्साइटेड लगते हैं, ठीक है, ज़्यादा इमोशनल लगते हैं, और इसी से लड़की ये समझ जाती है कि वो उन्हें पसंद करते हैं, इम्प्रेस करना चाहते हैं, जिससे वो और भी ज़्यादा नखरे दिखाने लगते हैं। तो आपको लड़की से बात करते समय अपना सेल्फ़ कंट्रोल नहीं खोना है, जिससे आप उनकी अटेंशन को अच्छे से हासिल कर पाओ। क्योंकि अगर आप उनके सामने नॉर्मल रहोगे तो इससे उसे ये नहीं लगेगा कि आप उन्हें लाइक करते हो, जिससे वो एक तरह से आपको एक नॉर्मल ट्रीट करेगी, आपके सामने ज़्यादा नखरे या भाव नहीं खाएगी। तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी उस लड़के की अटेंशन हासिल करने के लिए। इसके अलावा दूसरी बात जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि लड़की या अपनी क्रश से जब भी आप बात कर रहे हो तो उनके दिल में जगह बनाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप उनसे बात करते समय उनके जैसी बातें करो, ठीक है। मतलब कि जो चीज़ें उन्हें पसंद हैं, जो टॉपिक्स उन्हें पसंद हैं, अगर आप उससे रिलेटेड उनसे बात करोगे तो इससे आप बहुत जल्दी उनके दिल में जगह बना सकते हो। और ये जानने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप उससे बात करते समय उसे बोलने का मौका दो, ठीक है। जब आप उसे बोलने का मौका दोगे तो इससे आप ये जान पाओगे कि उसका इंटरेस्ट किन चीज़ों में है, वो किस टॉपिक पे बात करना पसंद करती है, ठीक है। तो इससे आपको उसके बारे में जानने में हेल्प मिलेगी, और जब आप ये चीज़ करोगे, ये काम करोगे, तो इससे आप धीरे धीरे उसके दिल में अपने लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बना लोगे। इसके अलावा नेक्स्ट चीज़ जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी आप लड़की से बात कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको हमेशा एक तरह से जल्दबाजी नहीं करनी है, शांत रहना है। अगर वो लड़की आपसे बात कर रही है तो आपको उन्हें नॉर्मल ट्रीट करना है। ऐसा नहीं करना है कि अगर लड़की बात कर रही है तो आपको आप जो है पूरा फोकस जो है उन्हें इम्प्रेस करने पे लगा दो। और अगर आप ये चीज़ करोगे कि अपना पूरा टारगेट जो है लड़की पे लगाओगे उसे इम्प्रेस करने के लिए, तो इससे वो समझ जाएगी कि आप उन्हें इम्प्रेस करना चाहते हो, ठीक है। वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपकी बातों से ये चीज़ पता कर लेगी कि आप उन्हें लाइक करते हो, जिससे वो आपके सामने ज़्यादा नखरे दिखाने लगेगी, ज़्यादा भाव खाएगी, ठीक है, ताकि आप उन्हें और भी ज़्यादा उनके पीछे भागो या उन्हें मनाओ अपनी दिल की बात कहने के लिए। तो इसीलिए आपको ये करना है, अगर आप उनके दिल में जगह बनाना चाहते हो तो उनके सामने ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। अगर वो आपसे नॉर्मल बात करती है तो उनसे नॉर्मल बातों की शुरुआत करो। स्टार्टिंग में कोई भी जल्दबाजी या ज़्यादा ये चीज़ मत करो कि आपको उन्हें इम्प्रेस ही करना है। अगर वो नॉर्मल फ्रेंड रहकर आपसे बात करना पसंद करती है तो नॉर्मल फ्रेंड की तरह उन्हें ट्रीट करो, तो इससे ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि आप उनके दिल में धीरे धीरे जगह बना लोगे। इसके अलावा नेक्स्ट चीज़ जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि आपको हमेशा खुश रहना है, खासतौर पर उस लड़की से बात करते समय ये उसे फील कराना है कि आप खुश हो। क्योंकि अगर आप खुद खुश रहोगे तो ही आप दूसरों को खुशी पहुंचा सकोगे, दूसरों को खुश कर पाओगे। और लड़कियों को ऐसे लड़के अच्छे लगते हैं जिनके साथ में वो काफ़ी ज़्यादा खुश रहती हैं, अच्छा फील करती हैं, ठीक है। तो ऐसे लड़कों के लिए उनके दिल में बहुत जल्दी जगह बनने लगती है, तो ये काम करके आप बहुत जल्दी उनके दिल में जगह बना सकते हो। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।